के सामने पड़ता है एक टैंक, आओ तुम्हें टैंक दिखा तो टैंक दिखी देखा कचरा कैसा हो गया भाई। रो मत भाई, रो मत। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋतिक मिट्टाल जोक्स। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और आज जो है वो संडे, तो आज हम जा रहे हैं फटाफट से स्टेडियम। आज तुम्हें दिखाएंगे सारा स्टेडियम का कैसा अपना स्टेडियम है। रोहतक का काफी बड़ा स्टेडियम है, काफी अच्छा स्टेडियम है। अपने साथ है भाई बंटी दीक्षित, जिसका फर्स्ट व्लॉग तुमने देखा होगा शायद, और अपने साथ हितेश व्लॉगर देखा है। तो फाइनली गाइस अपना घर से निकल चुके हैं, और पहले पता है हमारा प्लान था साइकिल चलाने का, पर साइकिल अपने को मतलब मेरे तो सही थी, पर इसका कुछ नहीं हुआ था। मेरी साइकिल खराब थी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भैया इसका मैंने कहा छोड़ो, कोई नहीं, आज अपना साइकिल नहीं करते, आज जो अपना पहले वॉकिंग चलते हैं। तो यहाँ से कम स्टेडियम है कितना किलोमीटर दूर है? 4 किलोमीटर, 3 से 4 तो होगा, 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है अपना। मैं कहा पैदल और सही वॉकिंग हो जाएगी सुबह सुबह की। तो अपना चलते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। दीक्षित जो अपना व्लॉग शूट कर रहा है, इसका जो है भाई सेकंड व्लॉग है भाई, तो डर क्यों रहा जाएगा? तो वैसे अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम भाई रोड पर, मतलब यहाँ से जो है ना, यहाँ से स्टेडियम बस सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं दिख रहा है रोड पूरे पीछा खाली पड़ा है, मतलब अभी बहुत कम ही लोग अभी जा रहे हैं सुबह के टाइम। और क्या जो तुम्हें मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये जो यूनिवर्सिटी की है, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी है। तो गाइस अभी हम रास्ते में जा रहे थे, हमको मिला एक दोस्त दीक्षित का है? एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और रितेश का भी है। अरे भाई के सारे दोस्त को मैं संभाल तो ले, मिल तो ले जाके, आपकी तो दोस्त है ये, दोस्त दिक्कत में एक दो दिक्कत में उनके बच्चे भी जा मिल ले भाई, जल्दी जा, आप भी आ जाओ, आ जाओ, मेरे को जरूरत नहीं है, जा, आपकी जरूरत है। दिक्कत में सारे देखिए कितने सारे हैं, जल्दी जा भाई, जाना जल्दी मिल ले, जाना इसके लिए रुका भी है, देख जा सत्य रुका है वो, जा जा, अब घोड़ा थोड़ी ना लात मारा है इधर को, आप जाके दिखाओ, जा जा भाई, मैं तो हाथ लगा दूंगा, क्या देगा मेरे को बता, मैं लगा दिया तो लगा सीन पर, इसके साथ साथ लाइन में चल रही है अभी, और ये भी इसके पीछे पीछे है, देखो भी इसके पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं है फिर क्या, मेरे पीछे भी आ रही है वो, तो तू देख क्या, जाओ नहीं जाओ वहां से जाओ। तो गाइस पहुंच चुके हैं यहां राजीव गांधी स्टेडियम में, और तुम्हें फिर यहां से ऊपर तुम्हें दिख रहा काफी बड़ा बोर्ड है इसका, और काफी अच्छे तरीके से सजा रखा है। और यहाँ दीक्षित अपना लगा पड़ा भाई फोटो वगैरह खिंचवाने में हितेश के साथ, देखो जरा ऐसी इसकी फोटो वगैरह खींचती है। और भाई ये है राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स हुड्डा कॉम्प्लेक्स सेक्टर 6 रोहतक। यहाँ से जो इसकी एंट्री है, यहाँ पे जो स्टेडियम का टाइम वगैरह लिख रहा है खुलने का, स्टेडियम खुलने का समय 5 से 10 और शाम को 4 से 8। तो गाइस हमने कर लिया यहाँ से अपनी एंट्री, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे जितना अपना सारा कुछ है ना, बास्केटबॉल कोर्ट और एथलेटिक वगैरह, कबड्डी वगैरह सब दिखाऊंगा। रास्ता स्टार्ट होता है सबसे पहले आते हैं अपना यहाँ पे बास्केटबॉल का, ठीक है, और बास्केटबॉल के ठीक सामने ही पड़ता है अपना एथलेटिक। देखो तो अभी चल रहे फटाफट से यहाँ से अपने एंट्री वगैरह कर रहे हैं एथलेटिक में, तुम देख सकते हो कितना बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्रिकेट स्टेडियम है। चलते अंदर तुम्हें दिखाता हूँ बाकी क्या क्या है, देख लो यहाँ पे लिखा है एथलेटिक ट्रैक, तुम्हें दिख रहा है हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी स्टेडियम में। अगर तुम्हें यहाँ का लुक दिखाऊँ ना, पहले काम करता हूँ पीछे का लुक दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें फ्रंट का दिखाऊंगा, तो अब तुम पीछे का दिखाओ, आ जाओ तो भाई ऐसा भी है, देखो पीछे क्या एक नंबर का लुक है भाई, कितनी ऊपर है देख लो जरा तुम, वहाँ पे सामने बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे तुम बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे क्रिकेट पवेलियन, वहाँ पे जो क्रिकेट वगैरह ग्राउंड है, और वहाँ पे बाकी सारा आर्चरी वगैरह का है, और दिखाऊंगा तुम्हें सारी बात वहाँ पे, तुम जैसे अपने यहाँ का देख लिया, और अब तुम्हें दिखाऊंगा फ्रंट का, फ्रंट का तो इससे भी काफ़ी अच्छा है, तो आज तुम्हें फ्रंट का दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो भाई सारे का सारा एथलेटिक का ही ग्राउंड है, जितना भी तुम देख रहे हो बच्चे वगैरह अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे दो एथलेटिक ग्राउंड है, एक तो यहाँ पर और एक से उस साइड भी है, और लास्ट मैंने तुम्हें दिखाया था ना वहाँ पे सामने जो है बास्केटबॉल का कोर्ट है वो रहा सामने, और अभी तुम यहाँ का कुछ दिखाऊँ, देखो ये देखो यहाँ पे बैठने वगैरह सीट वगैरह है सब कुछ, और वो रहा सामने अपना दीक्षित ऊपर, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो भाई यहाँ का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, देख लो भाई काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना तुम्हें इतना ऊपर से, और जैसे कि तुम मैंने कही थी यहाँ पे सामने क्रिकेट पवेलियन है,
वो ही सामने क्रिकेट पवेलियन। तो भाई पता है अभी अभी ना दीक्षित के घर से फोन आया उसको, मैंने कम किया भाई उसकी मम्मी का। मैंने दीक्षित के घर से फोन आया उसकी मम्मी का, तो उसको बोला उसने, क्या बोला उसने, तो कहीं कल जाना था। अच्छा हाँ बोल। अच्छा मना कर। तो भाई उसका भाई ऐसे चेहरा होगा, देखो चेहरा भाई, देखिए देखो उसका चेहरा कैसा हो गया भाई। रो मत भाई रो मत। तो गाइस अभी जो तुमने देख लिया यहाँ पे एथलेटिक का और बास्केटबॉल का, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे दूसरा। ये यहाँ की बॉक्सिंग रिंग है जिससे बच्चे अपना खेल रहे हैं, देख लो ऐसे कुछ दिखते हैं, अभी तो स्टार्ट नहीं है भाई। अभी मैं तुम्हें पता है यार सारी चीज़ दिखा नहीं पाऊंगा, जितना मेन मेन है ना उतना दिखा देता हूँ, बाकी जो तुम्हें फिर कभी दिखा दूँ, क्योंकि ना अपने को यहाँ से निकलना जल्दी भाई, क्योंकि ना अपने घर पहुँचना है। उसके बाद जो मेरे को आज जो मैं सोच रहा हूँ एक ही दिन में दो ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, तो अपना तुम्हें मेन मेन दिखा, जितना यहाँ पर मेन है, छोटे मोटे तुम्हें फिर कभी दिखा दूँगा, अभी जितना मेन है तुम्हें इतना छोटे छोटे दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ का कुछ ऐसा कुछ देखो क्रिकेट पवेलियन यहाँ पे भी जो है मैच वगैरह, मतलब हर संडे का भी मैच होता है, आज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मतलब होगा शायद थोड़ा लेट ही होगा क्योंकि बच्चे जो अपना आ रखे हैं, और ऐसा कुछ तो मैं दिख रहा है वहाँ के सामने का, और ठीक इसके सामने ही पड़ती है, इसके सामने पड़ता है एक टैंक। आओ तो मैं टैंक दिखाता हूँ, टैंक कैसा टैंक है, काफ़ी अच्छा टैंक दिख रहा है यहाँ पे टैंक, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है। इधर जल्दी ऊपर चढ़ा भाई, तुम्हें यहाँ से दिखाना ऊपर चढ़ के भाई, तो कोशिश अपनी जारी रहेगी, ऐसे चढ़ जा भाई, टाप करके चल ले, चढ़ जाएगा ऊपर, चढ़ चुका है लात में तो हिलेगा नहीं भाई वो, तो इतने से अपना चढ़ता है, मैं भी चढ़ता हूँ फटाफट से यहाँ से ऊपर, यहाँ से चढ़ा है हाँ। तो भाई चढ़ते ऊपर, तो भाई यहाँ से कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है, और तुम दिखाओ ना यहाँ पे शूट फोटो, देखो ये देखो ये पता नहीं क्या क्या है भाई, ये इंजन है, इंजन है सारा, इंजन इंजन है भाई, देखो ऐसा कुछ है भाई, देखो इंजीनियर का ये भी नंबर है, ऊपर चढ़ते हैं ये भाई अपना छोटा, तो देख लो भाई काफी अच्छा, कुछ ऐसा कुछ है भाई, मैं कह रहा तुम्हें पूरा पूरा दिन दिखा नहीं पाऊंगा भाई, मेन मेन दिखा देता हूँ जितना भी है, क्योंकि अपने को जाना है घर पे, चलते उतर रहे ये भाई उतरो, चलो वो भाई यहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, अपना तुम दिख रहा होगा ढिंडोरा 400 भी खा रहे, चल रहे थाली बचा रहे केक, वो देखो भाई चौका मारा, वो रोक लिया पैसे, ये वो हैं जिनके नाम से यहाँ पर स्टेडियम है राजीव गांधी, दिख रहा होगा तुम्हें, और यहाँ बच्चे साइकिल वगैरह चला रहे हैं गोल चक्कर पे। अभी तुम किसके सामने पड़ता है यहाँ पर एक वॉलीबॉल कोर्ट, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है ये वॉलीबॉल का कोर्ट जहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपना, देखो तुम्हें ज़्यादा भाई ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा, तो मैं बाहर बाहर दिखा दूँगा जितना शूट हो गया सपना, क्योंकि पता भाई अपने को इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को जो आज ही में दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करना है, सेकंड व्लॉग भी स्टार्ट करना है मेरे को, तो जितना जल्दी ये अपना व्लॉग खत्म हो सके उतना जल्दी मैं अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। और अभी जो पता क्या हुआ, अभी जो है पंडित जो अपने घर चलेगा, मतलब दीक्षित जो अपने घर चलेगा, तो भाई उसने बोला कि तुम अपना शूट कर लो, मैं जो है जाता हूँ। वॉलीबॉल के सामने पड़ता है यहाँ पे अपना फुटबॉल का, लोग डिवाइड करके आधे वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, आधे यहाँ बेसबॉल खेल रहे हैं, वो देखो भाई शॉट मारा। के बाद पढ़ते हैं स्केटिंग का, जैसे तुम्हें देख रहे हैं स्केटिंग बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर उसके सामने पड़ता है यहाँ पर है गाइस टेनिस कोर्ट, इसके पास लेके जाऊंगा तुम्हें, उससे पहले मैं तुम्हें लेके चलता हूँ आर्चरी के पास कोई प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है या नहीं कर रहा, चलते हैं पास में उसके, थोड़ा आर्चरी का जैसे मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पास पड़ता है यहाँ पे हॉकी ग्राउंड में भी अच्छे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। ये है नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी साई की, यहाँ पे जो बॉक्सिंग वगैरह तुम दिख रहे हो सामने, और यहाँ पे ये हॉस्टल भी है ये तरह से। ये यहाँ पे टेनिस का भाई देखो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, बाकी कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कोर्ट हैं, चार कोट हैं भाई देख लो तुम। तो भाई बाइक देखो भाई की क्या मॉडिफाई करा रखी है बाहर ने, R15 है देख लो भाई, देखो जरा। तो भाई ज़्यादा सही तरीके से शूट नहीं कर पाया मैं, अंदर जाके शूट नहीं कर पाया मैंने, जो तुम्हें बाहर बाहर से अपना दिखा दिया था, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं था और व्लॉग भी अपना शूट करना ही था, मैंने तो थोड़ा आज बाहर बाहर दिखा दूंगा,
और बाकी जो है तो मैं फिर कभी दिखाऊंगा अंदर से अंदर एक एक पॉइंट जाकर। अगर मैं एक एक पॉइंट जाकर दिखाऊंगा ना तो कम काफ़ी लंबा ब्लॉग बन जाएगा, इस वजह से मैंने जो तुम्हें बार बार दिखा दिया। तो गाइस फाइनली ऐसा कुछ तो अपना आज का था। तो गाइस ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो अपना होगा नहीं, छोटा सा ब्लॉग होगा। तो भाई क्योंकि ना अपने यार आज दो ब्लॉग शूट करने हैं, मैं सोचा आज तो सुबह स्टेडियम वगैरह दिखा दूंगा और शाम को जो अपना कहीं बाहर जाएंगे उसका शूट करके दिखा दूंगा। तो भाई करता हूँ भाई यहीं पे अपना ब्लॉग एंड। तो गाइस आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गाइस बाय।